आज हम आपको एक गणित की नई टर्म के बारे में समझाएंगे। आइए देखते हैं क्या है वो टर्म। बच्चों आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप गणित की एक नई अवधारणा के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। जैसे मेरे हाथ में एक किताब है, इसमें देखो ये बोर्ड पर स्थान घेरे ना, ये इतनी जगह घेर ली। ये देखो ये फील्ड है, खेत है। किसका खेत है? सामू का खेत है। ये सामू के खेत ने जमीन पर इतनी जगह घेरी है। कितनी जगह घेरी है? देखो ये यहाँ पे इतनी जगह घेर ली, यानी कि इसका खेत है ये, बाकी किसी और के खेत है। यहाँ पर देखो ये इस रामू का खेत है, तो इसके इसके इसका खेत इतना है, रामू का फार्म। तो इनने जगह घेरी, तो आइए हम देखते हैं इस जगह को क्या कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड, ये घेरी गई जगह है, क्या कहलाती है गणित में? इस घेरी गई जगह को हम अक्षेत्रफल कहते हैं। अक्षेत्र, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नई टर्म आ गई अक्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। एरिया अक्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों? स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया, यानी कि इस सीट ने जितनी जगह घेरी, इस खेत ने जमीन पर जितना स्थान घेरा, ये इसका अक्षेत्रफल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान या जगह अक्षेत्रफल है। आपको समझ में आ गया होगा कि देखो रामू का खेत और शामू का खेत, रामू का खेत का जगह इतनी है और शामू के खेत की जगह ज्यादा है, तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों, शामू का खेत बड़ा है क्योंकि उसने ज्यादा जगह घेरी है, उसके अंदर ज्यादा जगह है, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। देखे बच्चों ये देखो एक एक खेत रहा, ये गोल, इसके फील्ड कैसा है? इसका गोलाकार है, इसके चारों तरफ ऐसा भी खेत हो सकता है। तो ये जो इसका अंदर का स्थान है, इसको हम अक्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं इसको बल्कि हम। और जो बाहर हमने चारों तरफ ये बाउंड्री लगाई है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं बच्चों? ये मैं आपको बता चुका हूं, इस बाउंड्री को हम घेरा कहते हैं, घेर कहते हैं, पेरीमीटर या परिमाप भी कहते हैं इसको, यानी कि चारों तरफ का माप। इसी प्रकार इसके चारों तरफ जो हम तार लगाते हैं, देखो तार लगाई ना मैंने, इसको हम परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। तो बच्चों आप ये समझ गए हैं कि परिमाप तो चारों तरफ की बाउंड्री होती है, और क्षेत्रफल जो अंदर जगह है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। आपने इन दोनों के अंतर को शुरू से ही समझना है। इस क्षेत्रफल, स्थान घेरा गया, बाउंड्री चारों तरफ लगाई गई बाड़ होती है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि हम क्षेत्रफल को कैसे मापें? हम बाउंड्री को तो माप लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में, परंतु इस जगह को कैसे मापें भाई? ये तो जगह ज्यादा है, देखो इस जगह को कैसे मापें भाई, या इस स्थान को कैसे मापे, या एक फील्ड ये रहा, देखो ये खेत थोड़ा लंबा है, इसको कैसे मापे? अब आप बता सकते हैं कि ये फार्म बड़ा है या ये फार्म बड़ा है? बता सकते हैं क्या? पता लगेगा नहीं आपको। चलो देखते हैं करके कौन सा खेत बड़ा है, कैसे करें? ये देखो यहां पे इसको हम माप लेंगे, माप के करेंगे इसको, इसके लिए हमें मापना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि हम इस जगह को कैसे मापें, यानी कि क्षेत्रफल को कैसे मापें। प्यारे बच्चों क्षेत्रफल को मापने के लिए हमें वर्ग बनाने पड़ेंगे। आप वर्ग के बारे में जानते ही हैं, वर्ग, वर्ग क्या होते हैं? वर्ग को इंग्लिश में स्केयर कहते हैं। स्केयर कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे स्केयर को, देखते हैं कैसे मापेंगे क्षेत्रफल को। जैसे इधर से चला, ये क्या बन गया बच्चों? एक ये वर्ग बन गया। यहां से गया एक सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर, और ये एक सेंटीमीटर, इस प्रकार का एक वर्ग बन गया जिसकी भुजा कितनी है बच्चों? एक सेंटीमीटर। तो ये वर्ग हो गया एक वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी जगह कितनी है इसकी? ये एक वर्ग सेंटीमीटर की जगह को हम कहते हैं। इसी प्रकार से अक्षेत्रफल को मापने के लिए हमारे पास वर्ग है। अब वर्ग छोटी इकाई, जैसे हमारे पास देखो ये है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है? एक वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर देखो ये जो भुजा है इसकी, ये कितनी है? ये दो है, और ये दो है, इसको कैसे मापेंगे? अब यहां पर भी हम एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे। अब दो में से कितने वर्ग बनेंगे बच्चों? एक सेंटीमीटर ये आ गया, एक सेंटीमीटर ये आ गया,
और यहां पर भी एक सेंटीमीटर ये, एक सेंटीमीटर ये, इनको हम बीचों बीच, देखो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो यहां पे एक सेंटीमीटर के ये बन गए और यहां से भी एक सेंटीमीटर। अब ये जो जगह है वो कितनी है हमारे पास, चलो मापेंगे इसको, कैसे आई, देखो कितने वर्ग बन गए, एक एक सेंटीमीटर की वर्ग बन गया एक छोटा। इस वर्ग की जो ये भुजा है एक सेंटीमीटर है, ये भी एक सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, तो ये कितनी जगह होगी, एक वर्ग सेंटीमीटर। ये भी एक वर्ग सेंटीमीटर, ये भी एक वर्ग सेंटीमीटर, ये भी एक वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, चार वर्ग सेंटीमीटर। हम छोटी दूरियों को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि आपके पास तो जमीन ज्यादा होती है तो कैसे मापेंगे, ये मीटर है मेरे पास एक, अब यहां से यहां तक एक मीटर गया, यहां से यहां तक एक मीटर गया, फिर एक मीटर, फिर एक मीटर, यानी कि चारों तरफ एक मीटर का हमने वर्गाकार चक्कर लगाया, तो उसका जो स्थान है उसे हम एक वर्ग मीटर कहते हैं। और जो बड़े बड़े स्थान हैं उनको हम किलोमीटर में मापते हैं, वहां पर आपके पास वर्ग किलोमीटर आते हैं, क्या आते हैं वहां पर आपके पास, वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार क्षेत्रफल को मापने के लिए हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर होते हैं, ये हमारे क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाना है आपने, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल को मापने के लिए हमने सारी आकृति को वर्गों में बांटा है। चलिए देखते हैं और हम सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैं एक आकृति बनाता हूं आपके सामने, ये देखिए एक आकृति बनाई मैंने, छोटी सी एक आकृति है, ये भुजा इसकी तीन है, ये भी तीन है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया आपको, इसको हमें खानों में बांटना पड़ेगा, कितने कितने खाने, एक एक सेंटीमीटर के, तीन है ना, तो यहाँ पर इसको तीन भागों में बांट लेंगे, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, तो सारा कितना हो गया हमारा ये तीन सेंटीमीटर। फिर इसको हम फूटे से मिला देंगे इस प्रकार से, इसको भी ये कितने सेंटीमीटर है, तीन सेंटीमीटर, इसको भी हम तीन टुकड़ों में बांट लेंगे, एक एक सेंटीमीटर के, ये एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपके पास एक एक सेंटीमीटर के वर्ग आएंगे, एक ये वर्ग आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये वर्ग, ये एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, एक वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसका भी एक वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी एक वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी एक वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी कि कितने वर्ग सेंटीमीटर आ गया, नौ वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमने तीन सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों में काटते हैं। जब हम इसको एक सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों में काटेंगे तो आपके पास इसकी एक सेंटीमीटर, ये भुजा एक सेंटीमीटर, तो ये एक सेंटीमीटर का एक वर्ग बन गया, तो कुल कितने वर्ग बनेंगे आपके पास, कुल नौ छोटे वर्ग बनेंगे, अतः तीन सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल नौ वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ पर जो ये पीले आकृति दिखाई गई है, एक ही तीन सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, नौ वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या किया, इस वर्ग के किसी भुजा पर एक त्रिभुज बनाया हमने, इस एक भुजा पर ये त्रिभुज बना दिया, और इस त्रिभुज में से देखो यहाँ से काटकर हमने इस चित्र को, यहाँ से क्या किया, काटकर इसको इधर की तरफ चिपका दिया, ये चित्र बन गया, अंदर से काट दिया और बाहर चिपका दिया, देखो ये इस प्रकार से किया, ये चित्र बन गया नया हमारे पास। जो एरिया यहाँ से कटा वो एरिया हमने इधर लगा दिया और ये चित्र बन गया हमारा। तो इस प्रकार से ये जो नई टाइल बन गई, नया डिजाइन बन गया, इस डिजाइन का क्षेत्रफल भी 9 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। ये देखिए एक अन्य नया फर्श का सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है, इस फर्श के डिजाइन पैटर्न, इसमें पैटर्न को समझिए आप, बड़ा सुंदर पैटर्न लग रहा है। इस प्रकार बने पैटर्न का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक टाइल की भुजा एक सेंटीमीटर है तो पूरे फर्श के डिजाइन का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आप अपनी किताब में से अन्य डिजाइनों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अपनी बुक में से काम करिएगा। धन्यवाद।